तो नमस्कार दोस्तों, मैं पायलट समित अगर फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो लास्ट जो वीडियो हमारी थी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की, जो एक वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें यह था कि वीडियो कम समय की बनाई गई थी और जल्दी जल्दी मैंने बताया था, जिस वजह से वो कैमरा उसमें ज़्यादा हिल रहा था। तो कोशिश मैं रखूँगा कि कैमरा कम हिल सके। और जो आपके सामने बुक है इसमें टोटल 38 प्लेट्स की जो दी गई है, ठीक ना, तो कलर ब्लाइंडनेस में जैसे आपके यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये न्यूमेरिक है तो कुछ आपके न्यूमेरिक डिजिट दी जाएंगी सर्कल के अंदर में, ठीक। आपको सिर्फ इतनी इसमें जल्दी अभी इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि जिससे आपको पता चल सके कि आगे क्या है इस बुक में। ये आपके कुछ कलर ब्लाइंड्स, इसमें आपकी कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कलर्स के दिए गए हैं कि एक सर्कल के अंदर में काफ़ी कलर को यूज़ किया गया है। उसमें आपको कलर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बताया जा सकता है कि आपको इस सर्कल में क्या ब्लैक कलर दिख रहा है या कौन कौन से आपको कलर मोस्टली दिख रहे हैं, तो जो है ना। तो उसके बाद आपको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डिजिट आ गया, यहाँ पे सर्किल कलर चेंज होता है यहाँ पे, और उसमें आपको सर्किल में यही बताना होता है कि आपको जो दिखने वाली डिजिट है वो क्या है। जैसे कि आप लेफ्ट पेज पर देख पाए तो उसमें 26 और राइट पेज का जो है वो 42 डिजिट यहाँ पे यूज़ की गई है। और उसके अलावा जो मोस्टली होती है वो आपकी, मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ये, इसमें आपको क्या होता है कि एक लाइन सी जो चल रही होती है, आपको एक हाथ में पेन या पेंसिल दे दिया जाएगा उस सर्किल में, और उस पर आपको कहा जाएगा कि आपको उस बुक में जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ दो क्रॉस है, वहाँ पे उस जगह क्रॉस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उस पर एक जगह से पकड़ना है और उसको आपको कंटिन्यूसली आपको लास्ट तक जहाँ तक वो सर्कल के अंदर वो लाइन जो है कलर की चल रही है आपको वहाँ पहुँचाना है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा वो उसमें कहीं ना कहीं जाकर उसका पेन या पेंसिल जो भी है वो यहाँ टूट जाएगी, वो उसको लेकर जैसे शुरू करेगा वो यहाँ कहीं भी इधर उधर घुमाते हुए यहाँ पर ले आएगा। तो ये चीज़ होती है जैसे कि इसमें जैसे आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप, मैंने यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसको, तो ये आपकी इस तरफ आके यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। अभी मैं कम शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो के मैं टॉपिक को बता सकूँ कि क्या है। वही बात आगे जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि एक सर्कल में काफ़ी कलरों का बहुत दे रखा है, उसमें आपको कलर्स दे दिए गए कि आपको उसमें वाइट कलर दिख रहा है, कि आपको उसमें ब्लैक दिख रहा है, कि आपको उसमें येलो दिख रहा है। तो जैसे कोई भी कलर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या आपको दिख रहा है इसमें, तो ये वही सर्कल की लाइन है, यहाँ सिंगल को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत से आते हैं, तो शुरू से करते हैं। थोड़ा सा वीडियो कैमरे की वजह से जो कैमरा है वो हाथ में एक ही हाथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स मेरा यहाँ ये है कि बुक थोड़ी सी हिल रही है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 12 है सर्किल के अंदर में आपको दिख रहा है साफ। तो यहाँ पे अब आपको देखेंगे, मैं दोनों पेजों को लेता हूँ अगर स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको 8 देन यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगा वो इसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे यही एक टेस्ट होता है जिसमें आपको कलरों को पहचानना होता है। एक सर्किल में कलरों का हुजूम बना हुआ होगा, उसमें वो कुछ कलर्स को डिफरेंट बना के और डिजिट बना दी जाएगी, ठीक है। अब जैसा कि आप इसको राइट पेज पर देख पा रहे हैं यहाँ पे 6, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। मैं कोशिश करूँगा 38 जो प्लेट्स यूज़ किए हैं सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकूँ, ठीक ना। और कोशिश मैं करूँगा कि मोबाइल कम से कम हिले मेरा, 29:57, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, हाँ, दो है। और यहाँ पे आपको ये दूसरे सर्किल पे जो डिजिट आपकी 57 यूज की गई है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पेज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड का जो पेज है जो मेरे लेफ्ट पे है वो 5 है और राइट साइड में जो है वो 3 है सर्किल के अंदर में। लेकिन आपको भी ये देखना है, मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा रोक देता हूँ जिससे कि आप इजीली देख सकें। देन आपके मैं राइट साइड के पेज पर लाता हूँ, हो सकता है इसमें कोई आपको 3 को 8 बोल दे, लेकिन ये आपको पेज जो मैं दिखा रहा हूँ इतना समय आपको दे रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। तो हालांकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है क्योंकि इतनी लंबी मेरे को बनाना नहीं चाह रहा हूँ बस, लेकिन ये कि आपको स्क्रीन कम से कम मिला के और उस पेज में ज़्यादा समय दे सकूँ जिससे कि आप उसको देख सकें। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि जैसे मैं मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये डिजिट मोबाइल स्क्रीन में देखने में मुझे 15 लग रही है जो कि एक्चुअल में 15 ही है पेज 8 पे, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट पेज पर आता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ये 74 अब ये आपको जो मैं दोनों पेज नंबर 10 और 11 आप देख रहे हैं इसमें आपके लेफ्ट साइड का 2 और राइट साइड में आपका जो 9th है
अब नेक्स्ट जल्दी हम उस पर आते हैं। मैं 97:45 ये यहाँ पे 97 और राइट साइड में हमारे ये 45। अब यहाँ पे फिफ्थ एंड सेवेंथ अब जो आपके सामने स्क्रीन है 16 जो लेफ्ट साइड का पेज है वो आपको इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन राइट साइड का जो पेज है इसमें देखिए तो आपको 7 जो है वो तो इजीली आपको पता चल जाएगा ये आपका 7th है, लेकिन जो यहाँ पे सर्किल में जो है ये ऊपर का जो है आपको ये कुछ जगह पे अगर आप जल्दी पेज को चेक करने का चक्कर बनाएंगे तो हो सकता है कुछ इसे 8 बता दें, लेकिन एक्चुअल में 78 ना होगा 73 है, लेकिन हो सकता है कि कुछ इसमें से जैसे आपको जल्दी क्योंकि आपको एक पेज पे इतना टाइम नहीं दिया जाएगा जितना टाइम मैं आपको दिखाने में दे रहा हूँ, आपको बस पेज टर्न करते जाना और तुरंत ही क्विकली आपको वो बताते जाना कि उस पेज पे क्या डिजिट यूज की गई है। तो शायद हो सकता है आपको स्क्रीन में रिकॉर्ड करते समय वो बात नहीं दिख पा रही हो चाहे, लेकिन एक्चुअल में 73 है 78 नहीं है। अब हमारा कलर ब्लाइंडनेस का ये टेस्ट हो जाता है जिसमें कि आपकी न्यूमेरिक सर्च नहीं करनी होती, आपको वहाँ पे कलर होते हैं कलरों का एक हुजूम जैसे दे रखा है इसके अंदर में या फिर इसके अंदर में, उसमें कुछ कलर्स हैं जो मोस्टली यूज किए गए हैं जो कि आपके ऑरेंज कह सकते हैं, रेड कह सकते हैं, ग्रीन कह सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे आपको जो कलर बता देगा कि आपको इसमें कौन कौन से कलर दिख रहे हैं आप उसमें बता देंगे, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपसे पूछा कि क्या आपको इसमें ब्लू दिख रहा है या वाइट दिख रहा है या रेड दिख रहा है तो आपको उसमें से वो बताना होता है कि हाँ इसमें ये कलर्स ये है और ये इसकी लोकेशन, जैसे मैं कहता हूँ कि रेड है तो रेड की लोकेशन जैसे ये है तो ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी लोकेशन हो सकती है, कुछ भी उनका पूछने का तरीका यूज किया जा सकता है कि आपको पूछ लिया जाए क्या इसमें आपको ब्लैक कलर दिखा या नहीं, तो आपको जवाब जो होगा वो जवाब से वो पहचान जाएंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। ठीक है, ये पेज में जैसे अब राइट साइड में कुछ और मैं पेज दिखा देता हूँ इस संबंध में। अब वापस ये न्यूमेरिक डिजिट वाला ही इस प्लेट में शुरू हो गया था, तो जैसे ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 26 42 देन यहाँ पे हम आते हैं 35 और ये है आपका 96 जो कि इजीली यहाँ पे अगर आपको कलर ब्लाइंड नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी बता सकते हैं। अब मेन चीज़ जो मैं कहने वाला था वो यही थी जो कि इसमें जैसे कि आपको कह सकते हैं या तो कह सकते हैं यहाँ पे एक स्नेक है जो कि इसको पकड़ना है, उसका पूछ पकड़ लिया तो उसके मुँह तक हमें पहुँचना है, जैसे मान लीजिए इसका फेस मान लीजिए कि हाँ ये उसका मुँह है और हमें उसके पूछ तक पहुँचना है, तो जैसे कि इसके ये चलते रहे वो एक सीधा नहीं होगा, एक सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, तो ये मैं इस पर पहुँचता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे एक सीधा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये है जो कि मैं इस तरफ है, यहाँ पे क्रॉस आपको देखने को मिल रहे होंगे लेकिन वहाँ बुक में आपको क्रॉस ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जिसको कि आप देख सकें। ठीक है, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ उसके बारे में। अभी अब आते हैं ये जो क्रॉस थे डिफरेंट टाइप्स में, जैसे एक स्क्रीन यहाँ से शुरू होती है इसकी जो है मैंने कहते सांप है, जैसे एक स्नेक है इसको मैंने यहाँ से पकड़ के चलना शुरू किया, मैं इसी के साथ ही चलता रहूँगा, अब आपको एक पेन दिया जाएगा बस आपको वो फिराना है या आपके अपने फिंगर लेके आपको उस पर टच करते हुए चलते जाना है, वो जहाँ से शुरू हो और जहाँ ख़त्म हो आपको यहाँ तक, जैसे मैं पहुँचा यहाँ से ये इसका एंड पॉइंट मैंने माना और ये इसका बिगनिंग माना, तो मैं यहाँ से लेके इसको इस तरीके से कुछ ऐसे चलता हुआ आया हूँ और यही पैटर्न आपको यूज करना होता है उस जगह पे। ये हालांकि इसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा वहाँ पे डॉक्टर्स के जो असिस्टेंट होते हैं वो बता देंगे या फिर जो डॉक्टर्स होंगे जो टेस्ट लेंगे आपको बता देंगे, अब ये टेस्ट है इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक पेन लेना है उसके एक पॉइंट को पकड़ना है, उस पॉइंट से लेकर आपको उसके दूसरे पॉइंट तक जाना है, जैसे कि मैं इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न यूज करना होता है वहाँ पे। कुछ और मैं दिखा देता हूँ इस संबंध में, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन को यहीं पॉज करता हूँ, अब आप देख पाए होंगे कि इसमें किस तरह से जैसे कि थोड़ा सा टफ में या इजी में कुछ लगे होंगे आपको, तो सब तरह के आपको यूज करने को दिए जाएंगे और ये इस तरीके से आपको उसके बिगनिंग टू एंडिंग तक जाना है। देन नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, तो ये आपका वही जैसे मैंने बताया तो कुछ इस तरह से आपको चलते 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 जाना है और ये हमें चलते चलते हमारे लास्ट पॉइंट तक ये आ जाते हैं, और जहाँ पे जिसको भी कलर ब्लाइंड हो ये जल्दी जल्दी में अगर आप ये पॉइंट को छोड़ स्टार्ट करते हैं और यहाँ से यूँ करके घुमाते हैं और कहीं और पहुँचा देंगे तो यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा
तो वहीं पे आपकी स्टे है। तो ये आपको मैं चल रहा हूँ स्क्रीन में देखते हुए, तो यहाँ तक अब तक हमने कुल जिस तरह से 34-35 पेजेस तक आ चुके हैं, हमने 35 पेजेस को रीड कर लिया। कुछ इस तरह की बुक्स आपको दी जाएगी, उसमें आपको जो भी पेजेस हो सकते हैं 28-30, तो वो आपको रीड करने के लिए दी जाएगी और आपको समझा दिया जाएगा कि ये पैटर्न जो है वो बाहर जो आपके दोस्त हैं उनको भी बता दें कि इस तरीके से आपको करना है, जिससे कि डॉक्टर्स का जो समय है वो कम खर्च हो हर किसी को पर्सनली बताने में। तो कुछ इसके जानकारी आपको होना ज़रूरी है। हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसमें ये था कि कम समय में और जल्दी जल्दी बनाने की वजह से स्क्रीन ज़्यादा हिली थी और हर एक चीज़ में मैं ज़्यादा समय नहीं दिया था, जैसे मैं पेजेस पे ज़्यादा समय आप देके आपको दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी मदद करें, जैसे कि आप समझ सकें कि हाँ कुछ इस तरह की बुक्स होती हैं। और अगर आप इसमें सही देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो समझ लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह का जैसा कि बात नहीं करूँगा खैर, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बस जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है तो बस आप समझ लीजिए कि आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। जो हम लास्ट पेज पर आ गए हैं 38, जो कि पेज नंबर है, जो कि 38 प्लेट्स मैंने बताई थी। तो मैं इसको जूम करते हुए जैसे स्क्रीन पर आते हैं, देखने पे आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऊपर से चल रहा रेड में नीचे तक आ रहा है। तो कुछ इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो वो बात यही थी कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की बुकलेट के संबंध में। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आपको जो भी उस समय लास्ट में स्क्रीन हिल रही थी, कई लोगों का ये कहना था कि ये स्क्रीन हिल रही है, तो मैं दोबारा से इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको मेडिकल टेस्ट में आने में कोई ज़्यादा समय नहीं रहा, तो वो आपको स्किन हिले नहीं और आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और चैनल पर बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं और इस संबंध में और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ बाय बाय। और ये हमारा बिगनिंग पेज तक हम आ जाते हैं, ये आ गए। तो इसी के साथ बाय बाय।